पुरानी दिल्ली के घरों में बनने वाले खाने आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ मेरे इस चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़ाला मिर्ज़ा, अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले, जो गर्मी के सीज़न में मेरे घर में ज़रूर बनती है और सभी लोग उसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सुपर डिलीशियस भरवा करेले बनाने के लिए हमने लिए हैं करेले 500 ग्राम, चने की दाल रात भर भीगी हुई 250 ग्राम, दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस की हुई, एक कच्चा आम, हरी मिर्चें 6-7, लाल साबुत मिर्चें 7-8, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, कलौंजी 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा पुदीना, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले करेलों का एक पीलर की मदद से ऊपर का छिलका हटा देंगे, देखिए इस तरह से। बाकी सब करेलों का भी ऐसे ही ऊपर का छिलका साफ कर लेंगे। फिर करेले को बीच से एक ही साइड पर एक लंबा कट लगा लेंगे। फिर एक चम्मच की मदद से इसके अंदर से सारे बीज बाहर निकाल लेंगे। अब करेलों को नमक लगाकर मैरिनेट करेंगे। नमक करेलों पर अच्छी तरह से लगाएंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ से। नमक से करेलों को मैरिनेट करने से करेलों की कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब इन्हें कम से कम एक घंटे के लिए रख दें। अब कैरी को छील लेंगे और फिर इसके पतले पतले स्लाइस काट लेंगे। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप आम के अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अमूमन सभी के घरों में मौजूद होता है। अब एक बाउल में दाल को डालेंगे। दाल भीगी हुई होनी ज़रूरी है, मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था। अब इसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक डालेंगे। ज़ीरा, काली मिर्च डालेंगे, कलौंजी, सौंफ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और पुदीना भी शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डालूंगी। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेंगे।
और ये दाल का मिश्रण तैयार है। करेले को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। नमक लगाकर रखने से करेले पानी छोड़ते हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोकर इनका नमक साफ कर लेंगे। अब इन करेलों में दाल से बना मिश्रण भरेंगे। और ऊपर से एक लाल साबुत मिर्च और एक कैरी की फांक भी रखेंगे। और इसी तरह से एक एक करके सभी करेलों की स्टफिंग कर लेंगे। अब इन स्टफिंग किए हुए करेलों को हम एक धागे से लपेट देंगे ताकि इनकी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब एक प्रेशर कुकर में बाकी बची हुई दाल का मिश्रण डालेंगे। बचे हुए कच्चा आम भी डाल देंगे। फिर ये स्टफ किए हुए करेले भी डालेंगे। और मिश्रण वाले बाउल को खंगालकर 1 कप पानी का शामिल करूंगी। लास्ट में वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पर और बाकी 2 सीटी लो फ्लेम पर लगाएंगे। सीटी आ गई हैं। पूरा प्रेशर निकलने के बाद हम कुकर का ढक्कन ओपन करेंगे, दाल चेक कर लेंगे। दाल अच्छी तरह से गल गई है और करेले भी ऐसे ही हमें चाहिए था। इस रेसिपी में दाल को घुलाते नहीं हैं, इसलिए दाल ज़्यादा देर तक भीगी हुई इस्तेमाल करते हैं और पानी थोड़ा डालते हैं। तो लीजिए, हमारे भरवा करेले तैयार हैं। ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होते हैं, ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती इसमें। यकीन मानिए, आप मेरी इस रेसिपी से जब भी करेले बनाएंगे तो बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो बनाइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।